समाजवादी पार्टी छात्र सभा के प्रदेश सचिव असलम खान के नेतृत्व में छात्रों ने नेट एवं जी परीक्षा को निरस्त करने की मांग करते हुए जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के माध्यम से समाजवादी पार्टी छात्र सभा के कार्यकर्ताओं ने जिलाधिकारी के माध्यम से प्रदेश सरकार को ज्ञापन भेजा। ज्ञापन में कहा गया कि कोरोना काल में सरकार द्वारा नेट एवं जी प्रवेश परीक्षा की तारीख घोषित करना छात्र छात्राओं के स्वास्थ्य और जिंदगी से खिलवाड़ करना है। समाजवादी छात्र सभा का यह मानना है कि कोरोना महामारी के दौरान विभिन्न शिक्षण संस्थानों की संपूर्ण व्यवस्था बाधित रही है। ऐसे में किसी भी प्रकार की परीक्षा करना उचित नहीं है। कोरोना महामारी के कारण उचित स्तर की कक्षाओं का संचालन पूर्णतः बंद है। कोरोना काल में छात्र छात्राएं घरों के अंदर बंद है। सरकार के इस निर्णय से उनके जीवन के साथ खिलवाड़ करना माना जा रहा है। कोविड 19 की वजह से जनता के जीवन में उत्पन्न समस्याओं का समाधान करने के बजाय सरकार अभिभावकों का उत्पीड़न करना चाहती है। ज्ञापन देने वालों में रिजवान चौधरी, हर्ष चौधरी, विनय चरण, अतीक खान, तुषार लई कहमद, अफ्ताक पाशा, शरीक पाशा, वसीम, खुशबू अली, मोहसिन, सलमान, विपिन कुमार आदि लोग मौजूद थे। जी, मेरा नाम मोहम्मद असलम खान। असलम खान, किस तरह का प्रदर्शन किया जा रहा है आज? देखिए, जैसा कि आपको पता है कि कोरोना काल चल रहा है और ये वैश्विक महामारी के चलते हुए सभी स्कूल कॉलेज सभी बंद है, परीक्षाएं, ऐसे में नीट या अदर जेईई वगैरह परीक्षाएं जो है कराना छात्रों के भविष्य के साथ में, छात्रों की जान के साथ में खिलवाड़ करना है। अभी सरकार का एक आदेश आया था कि जेईई और नीट की परीक्षाएं कराई जाएंगी। अब ऐसे में अगर प्रवेश परीक्षाएं होती हैं तो छात्र छात्राएं अगर कोई अपने कोई बीमार होता है या बीमारी से ग्रसित हो जाता है तो वह घर जाएगा, उसके घर वाले भी बीमारी से ग्रसित होंगे। ऐसे में छात्रों के और छात्रों के परिवार वालों की जान के साथ में खिलवाड़ किया जा रहा है। समाजवादी छात्र सभा इस प्रवेश परीक्षा का पूर्णतः विरोध करती है, खंडन करती है। यदि सरकार अपने आदेश को वापस नहीं लेती है तो समाजवादी छात्र सभा का एक एक पदाधिकारी रोड पर उतरेगा और धरना प्रदर्शन करने के लिए हम बड़ा आंदोलन करने के लिए हम सफल होंगे। किसकी ज्ञापन देने आया है? जी, हमने राज्यपाल महोदय को ज्ञापन दिया है, देना के लिए आए हैं जिलाधिकारी महोदय के माध्यम से। और हम ज्ञापन में जो है अपनी मांगे उठाई हैं, जिसमें छात्रों को जो परीक्षाएं हैं उनको निरस्त किया जाए और छात्रों की परीक्षाओं के साथ साथ छात्रों की फीस को भी माफ किया जाए। एक मिनट, ये